Hello friends, Namaskar, Sasikal, I am your astrologer friend Amit Kapoor. Today I am presenting you weekly forecast from 16th April 2018 to 22nd of April 2018. Guys, my all predictions are based on your ascendant sign, not for your moon sign and not for your zodiac sign. Let's start for the Aries ascendants. For Aries ascendants, Sun transit in your ascendants from 14th April, Mars and Saturn transit in your 9th house. Guys, is वीक में सन का आपके असेंडेंस में एग्जाल्टेड होकर ट्रांजिट होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एरिस असेंडेंस नो डाउट आप ऑलरेडी एक बड़े अच्छे फेस को एंजॉय कर रहे हो, बट सन का आपके असेंडेंस में आकर एग्जाल्टेड होना यानी उच्च राशि में आना आपके फेम में राइज करेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज करेगा, आपके सारे जो भी काम हैं वो क्लिक होंगे, आपके फॉर्चून को राइज करेगा, आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेटर होंगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, फैमिली में, सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी बात को तुल दिया जाएगा. अगर आप किसी किस्म का कोई भी प्लान अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव पीरियड फॉर यू. गाइज, आपके द्वारा इस समय में आपका प्लान किसी भी काम में लगाना, अपने बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट करना, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके असेंडेंस में एग्जाल्टेड हो रहा है, आपके असेंडेंस का लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में सैटर्न के साथ ट्रांजिट कर रहा है. ये जो कम्बिनेशन बन रहा है फिफ्थ और नाइन्थ का, सन और मार्स का, ये आपका बहुत ही रिवार्डिंग और पॉजिटिव वीक जाने वाला है. इस वीक में फॉर्चून आपके लिए स्माइल कर रहा है. आप समझ लो कि किस्मत आपको हाथों में उठाकर चल रही है. आप जिस भी काम में हाथ डालोगे आपको अचीवमेंट और सक्सेस मिलेगी. आपके द्वारा इस वीक में आपकी सेविंग्स राइज होगी, आपकी अर्निंग राइज होगी, आपके फेम और प्रॉस्पेरिटी में राइज होगा. फैमिली टाइप आपके बहुत अच्छे चलेंगे, आपकी फादर से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, फैमिली लिंक्स आपके बहुत अच्छे डेवलप होंगे, नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, उन कॉन्टैक्ट से नियर फ्यूचर में ही आपको काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है. जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अचीवमेंट्स वाला है. अब ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए, ऐसा कौन सा चैंटिंग किया जाए जिससे हमारी किस्मत और ज़्यादा अच्छी हो? गाइज, आपके लिए हनुमान चालीसा का जाप करना एवरी नाइट आफ्टर सनसेट, ट्वाइस और थ्राइस इन अ नाइट बिफोर यू स्लीप. सोने से पहले दो या तीन बार हनुमान चालीसा का पाठ करना. ट्यूसडे वाले दिन 8 किलो मसूर की दाल मंदिर में, लंगर घर में देनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है. अब जितनी ज़्यादा ये चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल और शाइन करेगा. लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉरस असेंडेंस. फॉर टॉरस असेंडेंस फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd ऑफ अप्रैल 2018, गाइस, दिस होल वीक योर रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट इन योर असेंडेंस. आपके लिए इस वीक में आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके असेंडेंस में ट्रांजिट करेगा 19th अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 25 डेज तक. 16th अप्रैल से लेकर 18th अप्रैल नाइट तक वीनस आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा एग्जाल्टेड सन के साथ. 9th अप्रैल के बाद वीनस आपके असेंडेंस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा. मार्स और सैटर्न का कम्बिनेशन आपके 8th हाउस में बना हुआ है. जुपिटर का कम्बिनेशन आपके 6th हाउस में रेट्रोगेट मोशन में बना हुआ है. टॉरस असेंडेंस आपके लिए 19th अप्रैल के बाद बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आने वाली हैं. 19th अप्रैल से पहले 16 अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक आपके लिए एक्सपेंडिचर्स पीक पे रहेंगे, बट जैसे ही वीनस स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर असेंडेंस इन टॉरस साइन यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल अंडरटेकिंग्स. आपको हर एक तरफ से अचीवमेंट्स मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी फेम में राइज होगा, गुडविल इंप्रूव होगी, बिजनेस में गेंस होंगे, डेली इनकम राइज होगी. स्पाउस के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बिल्टअप होंगे. इस वीक में आप बोल सकते हो कि आपके वो काम भी होंगे जो तकरीबन पिछले 15-20 दिनों से रुके पड़े थे या ऐसा लग रहा था कि ये काम अब नहीं होंगे. आपकी हार्डवर्क, आपका पैशन इस वीक में 19th अप्रैल के बाद आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करने वाला है. आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, भगवान की ओर ध्यान लगाकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी बेस्ट डीड्स करनी, इस वीक में आपकी सक्सेस की नींव रखी जाएगी. क्योंकि वीनस ने आपके असेंडेंस में 25 डेज तक ट्रांजिट करना है और ये ट्रांजिट आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, फेम, पोजीशन राइजिंग, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक तरफ से लाजवाब है. लेट्स स्टार्ट फॉर द जेमिनी असेंडेंस फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd ऑफ अप्रैल 2018. गाइज, योर रूलिंग प्लैनेट मर्करी, योर असेंडेंस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 10th हाउस इन डायरेक्ट मोशन फ्रॉम 16th अप्रैल. 16 अप्रैल से ही मर्करी आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करना शुरू कर रहा है. गाइस, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा. असेंडेंस का लॉर्ड आपके केंद्र में यानी कि आपके
Ascendance से 10th house में, no doubt वो debilitated है, but being a lot of your ascendance plays in your 10th house, business में limelight में आप रहोगे, कुछ ऐसे काम आपके business और job में होंगे, जिसमें आपके seniors आपसे बहुत ज़्यादा happy रहेंगे और आपको achievements भी मिल सकती हैं इस period में. अब ये मत सोचें कि Mercury debilitated है, आप ये चीज़ सोच के चलें कि आपके ascendance का lord अपने से 10th house में transit कर रहा है, जो कि business और financial tie-ups के लिए बहुत ही rewarding रहने वाला है, क्योंकि अब वो direct motion में है. 19th अप्रैल के बाद वीनस आपका असेंडेंस से 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जिसमें जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या फॉरेन कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए वीकेंड बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है. कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, फाइनेंशियल टाई अप्स फॉरेन में हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं. फैमिली लाइफ इस वीक में आपकी एवरेज जाएगी. सैटर्न और मार्स का कम्बिनेशन आपके 7th हाउस में आपका कुछ स्पाउस के साथ अनबन रह सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ नोकझोंक रह सकती है. गाइज अपने पॉजिटिव अप्रोच अपनी रखें, अपने विजन को क्लियर करते रहें, अपनी ड्राइव को बढ़ाते रहें. ओवरऑल ये एक पॉजिटिव वीक है और आपको हर एक तरफ से अचीवमेंट्स मिलेंगी. लेट्स स्टार्ट फॉर द कैंसर असेंडेंस फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd ऑफ अप्रैल 2018. गाइस आपके लिए राहु का असेंडेंस में ट्रांजिट करना, केतु का 7th हाउस में ट्रांजिट करना, वीनस 19th अप्रैल के बाद आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा. आपके 4th हाउस का लॉर्ड और आपके 11th हाउस का लॉर्ड वीनस स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर 11th हाउस. इट इज़ अ टाइम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस एंड डिजायर्स. गाइस वीनस जिन लोगों के ऊपर, कैंसर असेंडेंस के लोगों के ऊपर अगर वीनस की दशा चल रही है, तो उनके लिए 19th अप्रैल के बाद आने वाले 25 डेज बहुत ही रिवार्डिंग जाने वाले हैं. आपकी अर्निंग राइज होगी, आपके फेम में प्रॉस्पेरिटी होगी, नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, हायर अथॉरिटी से आपको कुछ अच्छा गेन मिल सकता है. अगर आप गवर्नमेंट से कुछ लोन लेना चाहते हैं तो आपका लोन अप्रूव होगा, आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्टअप हो जाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्सेस से आप पैसा कमाओगे. और कैंसर असेंडेंस जिन लोगों पे वीनस की महादशा या अंतरदशा नहीं भी चल रही, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस में ऑन साइन में 25 डेज के लिए ट्रांजिट करेगा, तो भी आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत रिवार्डिंग जाएगा. आपके पेंडिंग जो भी वर्क हैं वो सब क्लिक करेंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगा, आपकी फेम में राइज होगा. मरकरी 16th अप्रैल से डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस साइन में आपके 9th हाउस में, जो आपके लिए एक एवरेज ट्रांजिट है. नो डाउट किस्मत थोड़ी सी वीक जरूर है आपकी, लेकिन वीनस का ट्रांजिट आपके हार्डवर्क में, आपके स्ट्रगल में बहुत अच्छा पे ऑफ करेगा और आपकी हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी. लेट्स स्टार्ट फॉर द लियो असेंडेंस फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd ऑफ अप्रैल 2018. गाइस योर असेंडेंस लॉर्ड सन स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर 9th हाउस इन एग्जाल्टेड मोशन. गाइस आपके लिए अचीवमेंट्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी, फॉरेन ट्रैवल, शॉर्ट जर्नी, गेन थ्रू जर्नी, सेटलमेंट इन अब्रॉड, पार्टनरशिप इन अब्रॉड, गाइज आपके लिए ये वीक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाला है. आपके असेंडेंस का लॉर्ड एग्जाल्टेड मोशन में आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है. फादर से ब्लेस्ड रहोगे, आपके फादर आपको एज ए गिफ्ट कुछ दे सकते हैं जो आपको नियर फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगा. जितनी ज़्यादा आप अपने फादर की गुड विशेज लेके चलोगे, उनको अपने बिजनेस में, अपने हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करके चलोगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए राइज और शाइन करेगा. अपॉर्चुनिटीज़ का ढेर है इस वीक में आपके लिए. अगर कुछ समस्या है तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करें और किसको नहीं. गाइज आपके लिए इस समय में पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि सन का 9th हाउस में एग्जाल्टेड मोशन आपके लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आने वाला है. आपको पोजीशन में राइज होगी, आपको जो लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको लोन अप्रूव होगा, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, पोजीशन में राइज होगी, आपके लिंक्स डेवलप होंगे हायर अथॉरिटी के साथ, आप किसी रिलीजियस जर्नी पर जा सकते हो और इस समय में की गई रिलीजियस जर्नी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी. गाइज आपके लिए आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना, अपने फादर के चरण स्पर्श करना, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेना, सूर्य देव को रोज सुबह अर्घ देना आपके फॉर्चून को 5 times प्लस करेगा. आप जितना ज़्यादा आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करेंगे उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आपके कदम चूमेंगी. लेट्स स्टार्ट फॉर द विरगो असेंडेंस फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd ऑफ अप्रैल 2018. गाइज दिस होल वीक योर रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट इन योर 7th हाउस इन डायरेक्ट मोशन फ्रॉम 16th अप्रैल. 16th अप्रैल को ही वीनस का डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करना आपकी डेली इनकम को गेन करेगा, आपकी नई पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, स्पाउस से और बिजनेस पार्टनर से आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, आपको बहुत अच्छा कॉपरेशन मिलेगा. गाइस मरकरी का आपके 7th हाउस में नो डाउट वो डेबिलिटेटेड है, लेकिन असेंडेंस से 7th हाउस में आपके ट्रांजिट करके आपके असेंडेंस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में गेन होगा. 19th अप्रैल के बाद वीनस आपके 9th हाउस पे ट्रांजिट करना शुरू करेगा नेक्स्ट 25 डेज के लिए. आपका फॉर्चून 100% आपके फेवर में हो जाएगा, आपकी स्ट्रगल आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगी, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिवार्ड दिलाएंगे. इस समय में 19th अप्रैल के बाद आप कुछ नई डील्स कर सकते हो, प्लेस चेंज कर सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी 19th अप्रैल के बाद वीक बहुत ही प्रोडक्टिव है.
अब ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए जिससे हमारा फॉर्चून और ज़्यादा तेज हो। गाइज आपके लिए लॉर्ड गणेश जी की उपासना करनी, गणेश चालीसा का जाप करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मोर यू डू इट मोर यू अचीव इट। लेट्स स्टार्ट फॉर द लिब्रा असेंडेंस फ्रॉम 16th April 2018 टू 22nd of April 2018। गाइज दिस होल वीक जुपिटर ट्रांजिट इन योर असेंडेंस इन रेट्रोग्रेड मोशन, वीनस ट्रांजिट इन योर 7th हाउस टिल 19th April। After 19th April, Venus started transit in your 8th house in on sign. Your ascendance laws started transit in your 8th house from 19th April. Guys, 16th April से लेकर 19th April तक का जो पीरियड है आपके लिए गुड फॉर्चून स्माइल कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी है, अनएक्सपेक्टेड फेम और प्रॉस्पेरिटी है। इन तीन दिनों में आप कोई नया डिसीजन ले सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग फॉरेन में नया कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इस वीक के स्टार्ट के 3 days बहुत ही प्रोडक्टिव हैं। 19th अप्रैल के बाद आपके असेंडेंस का लॉर्ड 7th हाउस को छोड़कर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा। शॉर्ट जर्नी यहाँ पर भी रहेगी, फॉर्चून आपके लिए स्माइल करता रहेगा, बट कुछ हार्डवर्क और कुछ स्ट्रगल आपको साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके असेंडेंस के लॉर्ड का 8th हाउस में जाना आपको किसी किस्म की छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, आपके बिजनेस में कुछ रिजल्ट्स को डिले कर सकता है। बट ओवरऑल जुपिटर का आपके असेंडेंस में बैठना और अपनी 5th और 7th और 9th एस्पेक्ट से आपके 5th, 7th और 9th हाउस पे एस्पेक्ट डालकर उनको देखना आपके लिए इस समय में अपॉर्चुनिटीज़, फेम और प्रॉस्पेरिटी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कुछ स्ट्रगल सम जरूर है, बट ओवरऑल बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द जुपिटर यू विल बी कम बैक फ्रॉम योर ओल्ड स्ट्रगल। सो आपके लिए इस वीक में नो डाउट थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर है, बट ओवरऑल रिजल्ट्स आपके फेवर में हैं और बहुत ही पॉजिटिव है। लेट्स स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंस फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd of April 2018। गाइज आपके लिए 19th अप्रैल से आपके 7th हाउस में वीनस का ऑन साइन में ट्रांजिट आपकी डेली इनकम को बढ़ाएगा, आपके फाइनेंसिस को अच्छा करेगा, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको दिलाएगा, नई पार्टनरशिप दिलाएगा, शॉर्ट जर्नी दिलाएगा। 6th हाउस में आपके सन का एग्जाल्टेड होना आपके लिए आपका 10th हाउस का लॉर्ड अपने से अगर हम कैलकुलेट करें कि किस हाउस का स्कॉर्पियो असेंडेंस में सन लॉर्ड है, तो स्कॉर्पियो असेंडेंस में सन 10th हाउस का लॉर्ड है, अपने से 9th हाउस में जाकर एग्जाल्टेड हो रहा है। गाइज आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, अगर आपको कोई हेल्थ डिसीज है वो रिमूव होगी, किसी किस्म के हेल्थ इश्यूज पिछले समय से बनते आ रहे हैं वो आपके ख़त्म होंगे, मेडिसिन चल रहा है तो वो बंद होगा। आपके लिए वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक इज़ हाईली रिवार्डिंग एंड बेनिफिटेड फॉर यू। वीनस का आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट नेक्स्ट 25 days के लिए 19th अप्रैल के बाद आपका गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा, आप किसी भी काम में एफर्ट्स करेंगे आपको बहुत अच्छा पे ऑफ मिलेगा। सन का आपके 6th हाउस में ट्रांजिट एक्साल्टेड पोजीशन में नेक्स्ट 30 days के लिए आपके फॉर्चून में आपको लाइमलाइट में रखेगा, आपके हेल्थ डिसीज से आपको दूर करेगा, आपकी फादर की आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। मार्स और ट्रांजिट का कम्बिनेशन आपके 7th हाउस में फैमिली एटमोसफेयर को जरूर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, लेकिन फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे करेगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द सजिटेरियस असेंडेंस फ्रॉम 16th April 2018 टू 22nd of April 2018। गाइज दिस होल वीक आपके लिए सन का एग्जाल्टेड होना आपके 5th हाउस में, आपके लिए मरकरी का डायरेक्ट मोशन में 4th हाउस में ट्रांजिट करना, वीनस का टॉरस साइन में ट्रांजिट करना, गाइस ये वीक आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला है। अगर कुछ नेगेटिव है तो वो है आपका गुस्सा, आपकी नेचर, आपका अग्रेशन। किसी भी चीज़ को बिना सोचे हुए रिएक्ट मत करो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ लाइफ में बनना चाहते हो, दूर की सोच रखो, अपने विज़न को क्लियर रखो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। इस वीक में आपके सारे रास्ते खुलेंगे, आपकी हार्डवर्क और स्ट्रगल आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगी। आपके लिए इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फेम है, प्रॉस्पेरिटी है, राइजिंग है। गाइज आपके लिए इस वीक में अब जितना ज़्यादा अपने फादर की ब्लेसिंग्स लोगे, क्योंकि सन ट्रांजिट में एग्जाल्टेड चल रहा है, जितना ज़्यादा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करोगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल और शाइन करेगा। थर्सडे वाले दिन आपके लिए 4 kg चने की दाल धर्मस्थान में डोनेट करना आपके फॉर्चून में और 4 चांद लगाएगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंस फ्रॉम 16th April 2018 टू 22nd of April 2018। गाइज Venus started transit in your 5th house from 19th April. Smart money will knock you. Good fortune start to smile for you. गाइज आपके लिए इस वीक में आपके काफ़ी पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होंगे, आपका फेम बढ़ेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये वीक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाला है, क्योंकि वीनस का 5th हाउस में ट्रांजिट ऑन साइन में ट्रांजिट नेक्स्ट 25 days के लिए आपको सडन और अनएक्सपेक्टेड गेन स्टॉक मार्केट में दिलाएगा। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो भी ये 25 days आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। फैमिली एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहेगा, फैमिली और फ्रेंड्स से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी। नो डाउट एक्सपेंडिचर्स आपके पीक पे रहेंगे और कहीं ना कहीं
किसी ना किसी चीज़ पे, लग्जरी आइटम पे आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है, बट पैसे की आमद आपकी बनी रहेगी, जिस वजह से आप अपने एक्सपेंडिचर्स को और अपनी सेविंग को मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द एक्वेरियस असेंडेंस। फॉर एक्वेरियस असेंडेंस फ्रॉम 16th April 2018 टू 22nd of April 2018, गाइज इस वीक में आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज है। फोर्थ हाउस में आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड वीनस फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा ऑन साइन में। जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में ट्रांजिट कर रहा है। मार्स और सैटर्न आपके एलेवंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियंस, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय, रिवार्डिंग समय चल रहा है। इस वीक में आपके रिवार्ड्स और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी फेम और ज़्यादा बढ़ने वाली है, सेविंग्स बहुत बढ़ने वाली है। आपको प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको गेन हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए वीक बड़ा प्रॉस्पेरिटी वाला है। गाइज आपके लिए आपकी पेंडिंग वर्क आपके सारे क्लिक होंगे। फॉर्चून 10 times+ आपके लिए काम करेगा। आपके हार्डवर्क आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करने वाले हैं। सडन फॉरेन ट्रेवल है, आप हॉलीडेज मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइसिस असेंडेंस फ्रॉम 16th April 2018 टू 22nd of April 2018। सन स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर सेकंड हाउस। आपकी लिक्विड मनी में बढ़ोतरी होगी, सेविंग्स में राइज होगी, आपकी फैमिली एटमोसफेयर बहुत अच्छा चलेगा। इस वीक में आप अपने कुछ नए प्लान्स अपने फैमिली के साथ शेयर करोगे, जो आप एग्जीक्यूशन में डालोगे तो आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिलेंगी। 19 अप्रैल के बाद आपके सेकंड हाउस में वीनस का ऑन साइन में ट्रांजिट करना आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप बहुत अच्छा गेन लोगे, कम्युनिकेशन से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से आप काफ़ी अच्छे गेन आपको मिलेंगे। गाइज इस वीक में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सन का सेकंड हाउस में ट्रांजिट आपके फॉर्चून को बढ़ाएगा। आपकी जो प्लान्स काफ़ी समय से एग्जीक्यूशन में डालने की आप कोशिश कर रहे थे वो अब एग्जीक्यूट होंगे। आपकी डेली इनकम राइज होगी, आपकी सेविंग राइज होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके सीनियर्स उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrologer.com। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। Of lively tonal effects.